अब हम करते हैं आर्टिकल 8.4, जिसमें हम पढ़ेंगे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसी का ज़्यादातर यूज़ करेंगे हम। तो इसमें करना क्या है, जो हमने न्यूटन कोट्स वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमें इनके केवल 2 रख के देखेंगे। अब पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन 2, यानी न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला नंबर 2। तो वी हैव, इसमें देखिए अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास i क्या था, हमारे पास था इंटीग्रल x नॉट टू एक्स एन, एन को 2 रखेंगे तो एक्स 2 आएगा और ये एफ एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा h, यहाँ पर n को 2 रखेंगे तो 2y नॉट प्लस में, यहाँ पर भी 2² / 2, ये 2 ही रह जाएगा और डेल्टा वाई नॉट प्लस में, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 8/3, और यहाँ पे 2 रखेंगे 2 की पावर 2/2, यानी कि 2 ही रह जाएगा और डेल्टा स्केयर वाई नॉट और वाई में 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ की 2। उसके बाद कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये आपके पास 0 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव एन इज इक्वल टू 2, मीन्स एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू, सिर्फ 3 ही हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसलिए ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इतना ही आएगा, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू एच 2y0। अब देखिए डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है y1 माइनस में y0। अब ये कितना आएगा, हम लेंगे 3 LCM, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और 8 - 6 2 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/3 बच गया। और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट हमारे पास होता है y2 माइनस में 2y1 और प्लस में y0। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो h हम LCM ले लेते हैं 3, ये बन गया 2y0 और माइनस में 2y0, ये कैंसिल हो जाता है, 2y1 बचेगा, वो हो जाएगा 6y1 प्लस में, यहाँ पर देखिए बचेगा y2 और माइनस में 2y1 और प्लस में y0, एंड दिस इज इक्वल टू h/3, ये के पास आया y0 और 6y1 माइनस 2y1 ये 4y1 और प्लस में y2। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स टू और ये एफ एक्स डी एक्स, यानी एक्स नॉट से लेकर एक्स टू तक के लिए हमारे पास इंटीग्रल आ चुका है, उसके बाद एक्स टू से एक्स फोर हम ऐसे लिख लेते हैं। सिमिलरली इंटीग्रल एक्स टू टू एक्स फोर एफ एक्स डी एक्स, यानी हमने जो ये सबस्क्रिप्ट है उसमें 2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये h/3, यहाँ पर आ जाएगा ये y2 और ये हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा y4। इस तरह करते करते लास्ट में पहुँच जाते हैं और मान के चलते हैं, देखिए ये 2 है ये 4 है, तो जो xn होगा उसमें n को हमें इवन मान के चलते हैं, तो ये क्या आएगा xn माइनस 2 2xn एफ एक्स डी एक्स, और ये बनेगा h/3। y2 की जगह आपके पास आ जाएगा देखिए yn-2, ये इससे नेक्स्ट yn-1 और ये उससे नेक्स्ट yn। हम लिख देते हैं वेयर n इज इवन। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, एडिंग द अबोव इंटीग्रल्स
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स नोट टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स। इसमें देखिए h बाई थ्री तो हमारे पास कॉमन है ही, ये y नोट प्लस में 4y1 और प्लस में y2, ये लिख दिया हमने एक बार। इसको भी लिख देते हैं y2 प्लस 4y3 प्लस में y4। उसके बाद नेक्स्ट करते करते लास्ट में पहुंच जाते हैं yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 और प्लस में yn। तो दिस इज इक्वल टू h बाई 3। अब इसमें देखिए y नोट हमारे पास एक ही बार है, तो ये y नोट। उसके बाद देखिए ये y1 है, ये y3 है, ये 4 टाइम्स आए हुए हैं हमारे पास, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, y1 y3 उसके बाद क्या आना चाहिए y5, यानी एक तरह से ये ओड आ गए सारे जितने भी हैं, और यहाँ पर ये yn माइनस 1 और प्लस में। उसके बाद क्या बच गया y2, ये दो बार है, y4 ये भी दो बार मिलेगा, ये भी दो बार मिलेगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया y2 फिर y4 और लास्ट में yn माइनस 2। तो एक बच गया yn, उसको हम इसके साथ ही लिख देते हैं, तो ये y नोट प्लस में yn। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 टाइम। उसके बाद जो ओड है उनको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और जो इवन है उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनी, एक तरह से h बाई 3, ये फर्स्ट एंड लास्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू, इसमें 4 टाइम्स, ये क्या है हमारे पास ओड, तो सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स प्लस में 2 टाइम्स वो क्या है सम ऑफ इंटरमीडिएट इवन ऑर्डिनेट्स, क्योंकि इवन तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट भी हैं, लेकिन उनको हमने जोड़ दिया 1 टाइम, और जो बीच के बच गई उनको 2 टाइम करना है, और जो ओड है उनको 4 टाइम करना है। तो ये जो सम आएगा हमारे पास वो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी x0 टू xn fx dx, ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।